वेलकम गाइज, मेरा नाम तो सीर है, इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। कल इमरान खान इस्लामाबाद गए थे, वहाँ पर क्या हुआ वो हमने एक व्लॉग के अंदर देखा था अब्दुल कादिर के। तो उनका एक वीडियो है, इमरान खान डॉजेज अरेस्ट आफ्टर पुलिस शो अप एट इस्लामाबाद कोर्ट टुडे, एंड उनके जाने के बाद उनके घर पर भी अटैक हो गया था, ऐसा भी खबरें हैं, वीडियोज़ हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। बड़े बोझल दिल के साथ आज का व्लॉग कर रहा हूँ। दिल बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब हर तरफ ब्लैकआउट हो, हकायक पर पर्दापोशी हो और झूठ को सच बनाकर पेश किया जा रहा हो, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने लोगों को हक और सच बताया जाए। अभी मैं एक टीवी देख रहा था तो एंकर फरमा रही थी कि आज जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ वो आपने देखा, तो मैं ये सोच रहा था कि कहाँ पर देख लिया। टीवी पर तो पाबंदी थी, मुकम्मल ब्लैकआउट, पैमरा का हुक्म, इंटरनेट भी बंद था। बल्कि इन्हें तो हुक्म है कि आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाओ, पेट्रोल बम दिखाओ और असला दिखाओ, जो वहाँ से जमान पा के ग्रैंड ऑपरेशन से नाम निहाद असला पकड़ा गया। मरियम बीबी ने एक ट्वीट किया, मैं सर पकड़ के बैठ गया बस। अब क्या बंदा कहे, वो एनर्जी ड्रिंक्स को पता नहीं क्या बना के पेश कर रहे हैं खुदा के वास्ते। अब ये ट्वीट डिलीट नहीं करना, कभी ना करना ट्वीट ये डिलीट, आगे वक्त साबित करेगा कि क्या सच था क्या गलत। खैर, एक शख्स को गिराने के लिए गिरे हुए लोगों ने एक तरह से हर हद पार कर दिया। कम से कम आज के बाद मैं तो फलस्तीन, कश्मीर और गज़ा की पट्टी की मिसाल नहीं दूंगा, मेरा तो सर शर्म से झुक जाए जो मैं इनकी मिसाल दूं। अपने मुल्क में नई मिसालें बन गई हैं, जो कुछ मेरे मुल्क के साथ अब कर दिया गया है, सोचने पर मजबूर हूँ कि क्या हम वाकई ये डिज़र्व करते हैं जो हो रहा है। शेलिंग से लेके निहत्ते कारकुनों की गिरफ्तारी तक, और छोटे छोटे बच्चे, यंग यंग से बच्चे जिनके पीछे ख्वातीन भाग रही थीं कि खुदा के लिए इनको छोड़ दो। मर्द एहतजाज कर रहे थे कि बाकियों को कर लो, इस छोटे से बच्चे को तो छोड़ दो। नहीं छोड़ा, वो भी गिरफ्तार, और फिर गाड़ी के नीचे एक नौजवान को कुचलने की कोशिश। आपको किसी टीवी चैनल ने नहीं दिखाया होगा, मैंने भी वो ट्वीट नहीं किया अभी तक, क्लिप आपको दिखाऊंगा अभी कुछ ही देर में दिखाऊंगा, वो वीडियो रिकॉर्ड होगी मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बेदर्दी से, बेरहमी से वहाँ पर क्या मनाजर थे, और अनदेखे अनएडिटेड मनाजर मैं आपको कुछ ही देर में दिखाने वाला हूँ। और फिर जो जमान पाक में एक ग्रैंड ऑपरेशन, मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के घर का दरवाज़ा तोड़ा गया है। बहुत लोग ये समझाते रहे हैं कि ये रिवायत ना पड़े, ये रिवायत ना पड़े, अगर पड़ गई तो फिर नहीं रुकेगा काम। अब आपने ये कर दिया है और आपने बहुत बेरहमी से ये सारा कुछ किया, मतलब इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए या उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको कमज़ोर दिखाने के लिए आपने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके देख ली है। और जो आवाम ने आज उसका साथ दिया है, आगे आप वो मनाजर भी देखेंगे कि ऐसे मनाजर, ऐसे मतलब विजुअल्स थे कि जिनका तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि कैसे लोग वहाँ पे नारे लगा रहे थे कि जान दे देंगे, खान नहीं देंगे, इस तरह के नारे लग रहे थे। मैं अपनी तरफ से नहीं बात करा, और शायद ये सारा कुछ करने वालों को अंदाज़ा भी नहीं है कि अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में उन्होंने मुल्क की साख का जनाजा निकाल दिया है। ना पहले कभी कारकुनान को इतने गुस्से में देखा, ना अहलकारों में अपने ही लोगों के लिए इतनी नफरत देखी, और ये सारा कुछ जो हो रहा है ये दो चार लोगों का कोई हुक्म है, उनकी कोई खुशी है, उनकी कोई ज़िद है, उसकी तामील करते करते ये सारा नुकसान हो रहा है। आईजी साहब रोज़ पहुँच जाते हैं अस्पताल जख्मियों की इयादत करने के लिए, वो लोग भी तो ज़ख्मी हुए जिनको आपने मारा है, पीटा है, जिनके साथ आज जुल्म हुआ है, उनकी इयादत किसने करनी है? अपने लोगों को आप दोनों तरफ से नुकसान पहुंचा रहे हैं, कारकुन भी अपने हैं, ये पुलिस एहलकार भी अपने हैं, तो इनको आप रोज़ाना की बुनियाद पर किसी एक बंदे की, किसी एक दो लोगों की ख्वाहिश की तकमील के लिए आप रोज़ाना इतनी नफरी लगा रहे हैं, पुलिस एहलकार इतने आप जमा कर रहे हैं, मुल्क का नुकसान हो रहा है। आज क्या वहाँ पर मनाजर थे, आप अंदाज़ा है आपको कि किस तरफ आप पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं? ये तबाही का रास्ता है, खुदा के लिए कुछ समझें। खैर, आज का ये जो व्लॉग है, ये समझ ले व्लॉग का पार्ट टू है। सुबह से शाम तक, यानी इमरान खान साहब के पहुंचने से पहले तक क्या हुआ था वो मैंने एक व्लॉग में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर माहौल था, मोमेंटम कैसे बनना शुरू हुआ, कारकुनान की गिरफ्तारियां कैसे शुरू हुई, कैसे छोटे छोटे बच्चों को वहां से पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे, फिर इमरान इस्माइल ने आके छुड़ाया, उन बच्चों को रिहा करवाया। ये सारा मैं अपलोड कर चुका हूं, अगर इंटरनेट होता तो दिन में ही कर देता, लेकिन वहां पे कोई इंटरनेट सर्विस नहीं थी इसलिए थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया। ये जो व्लॉग है ये इमरान खान साहब के आने के बाद की एक्टिविटी का है, और इसमें मैंने आपको दिखाना है कुछ वो अनदेखे मनाजर, वो लम्हात जब इमरान खान पर हमला शुरू हुआ
और अदालत के बाहर अचानक से जो हंगामा खेज सूरत हाल बरपा हुई उसकी असल कहानी क्या है, सब आपको अनएडिटेड फुटेज में दिखा दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि खान के खिलाफ ये पूरा प्लान नाकाम कैसे हुआ है। आज इमरान खान की पेशी के मौके पर जो इंतजाम थे वो मामूल से हटके थे, मतलब एक्सट्रीम लेवल के प्लान। हमने नवाज शरीफ साहब की पेशियां कवर की हैं, इमरान खान के भी इस तरह के इवेंट्स कवर किए, लेकिन इस तरह के कंटेनर्स लगा के इतनी नफरी खड़ी कर देना कि बस कोई शख्स यहाँ से आगे जा ना पाए, ऐसा कर्फ्यू जैसा माहौल बना देना, ये पहले नहीं देखा था। तो तयशुदा प्लान के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी आज हर सूरत करना थी, हर सूरत। जो वहाँ पे माहौल था और जो इनसाइडर्स बता रहे थे, जो करीबी ज़राए बता रहे थे कि कितने नफरी बुलाई हुई है, इतनी नफरी के इस्लामाबाद पुलिस की नफरी कम पड़ गई तो पंजाब पुलिस के अहलकार भी बुलाए हुए थे। तो इसलिए प्लान ये था कि इमरान खान के साथ कम से कम लोग आ सकें अदालत तक। उसके लिए पहला तो ये सिलसिला किया गया कि रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी, जो लोग वहाँ से गुजरना चाहते थे इमरान खान के साथ उनमें से आधों को वहीं पर रोक दिया गया, बस इमरान खान को फिल्टर करके निकाल दिया, तो आधे लोग तो वहीं पर रह गए। जो लोग किसी ना किसी तरह से आसपास से वहाँ पहुँचने में कामयाब हुए उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान मीडिया की कवरेज के ऊपर पाबंदी लगा दी, पैमरा का ऑर्डर जारी हो गया, इंटरनेट सर्विस वहाँ पे बंद कर दी गई ताकि हम लोग जो वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं कोई चीज़ ट्वीट ना कर सकें, कोई विजुअल्स वहाँ से जा ना सकें। और ये सारा कुछ करके फिर पुलिस अहलकार शेलिंग का सामान तैयार करने लगे। ये आप सब लोग बराह रास्त नहीं देख रहे थे क्योंकि ये विजुअल्स आपको टीवी चैनल्स दिखा नहीं रहे थे, कुछ की मजबूरी थी कि पैमरा का ऑर्डर है, कुछ खुशी से नहीं दिखा रहे थे, लेकिन हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था, इसलिए पता था कि कुछ होने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे इमरान खान की आमद का वक्त करीब हो रहा था वैसे वैसे एक तो कारकुनान को पकड़ धकड़ करके वो जैसे प्रिजनर वैन्स में डाल रहे थे तो उनको लेके आगे निकल गए, और फिर जो कारकुनान बच गए वहाँ पे उनके लिए उन्होंने वो शेल वेल सारे सीधे करने शुरू कर दिए, कंटेनर के ऊपर चढ़ गए। और जैसे ही इमरान खान अहाता अदालत के करीब पहुँचे हैं बिल्कुल एन उन लम्हात में, अब यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ से मामला शुरू हुआ, वरना शायद सारा स्मूथ रहता, लेकिन एग्जैक्टली इस पॉइंट से अफरा तफरी या कशीद की जांच शुरू हुई, वो इस पॉइंट से हुई कि एक पुलिस एहलकार ने एक शेल फायर कर दिया, मतलब इमरान खान के साथ पूरा एक उनका लोगों का रश आ रहा है आगे, और आप इतने रश को डिस्पर्स करने के लिए आपने शेल फायर कर दिया सीधे उनके ऊपर। और जैसे ही शेल फायर हुए तो एकदम से भगदड़ मची और लोग इधर उधर दौड़े। ये मोमेंट था कोई तकरीबन 15 से 20 सेकंड का, बस इससे ज़्यादा का नहीं था, 15 से 20 सेकंड लोग इधर उधर हुए। और फिर उसके बाद जो लोगों ने ये सारा कुछ वापस किया, जब रिएक्शन दिखाया, तो मैं बिल्कुल आपको फैक्ट बात बता रहा हूँ, कोई एग्जैजरेशन नहीं, मुझे नहीं पता चला कि पुलिस अहलकारों की इतनी नफरी थी वो किधर गई। मैंने उनको खेतों में भागते देखा, मैंने उन्हें कंटेनरों के आगे पीछे भागते देखा, वो ऐसे भाग रहे थे सर पे पांव रखे के जैसे पता नहीं क्या। हालांकि कारकुनान की तरफ से कोई ऐसा भी कोई जवाबी वार नहीं किया गया था कि कोई उनको इतना भागना पड़ जाए, लेकिन जैसे ही कारकुन एकदम से उनकी तरफ बढ़े हैं ना, वो बिल्कुल नजर नहीं आए। और वो सारा स्पॉट जो उन्होंने रखा था कि इस पॉइंट से हम इमरान खान के अलावा किसी को गुजरने ही नहीं देंगे, वहां से सारे कारकुनान गुजरते गुजरते आगे की तरफ जा रहे। अब हमने सारे नाके शाके उड़ा के रख दिए हैं और पूरी पब्लिक जा रही है आगे अदालत में। तो वो जो एंट्री पॉइंट जिसपे उन्होंने बाकी कारकुनान को रोकना था उन्हें खुद इनसाइड करके एक तरह से उन्होंने दावत दे दी कि आप अपनी कार्रवाई करें। और इमरान खान की गाड़ी जब उस रास्ते से गुजरते गुजरते अहाता अदालत तक जब पहुंची, बिल्कुल अहाता अदालत तक नहीं बल्कि उसके मेन गेट तक पहुंची, तो ये वो वक्त था जब इमरान खान शदीद तरीन ख़तरे में थे। मैं आपको सही बात बता रहा हूं कि शदीद तरीन ख़तरे में थे। अगर उनके आसपास वो लोग ना होते, मुराद सईद, उमर सुल्तान और बाकी जिन्होंने आज फेस किया है हार्ड टाइम, तो कुछ भी हो सकता था। डायरेक्ट शेलिंग हो रही थी गाड़ी के ऊपर और ड्राइवर बेचारा, इमरान खान बैठे हुए हैं उस गाड़ी में, ड्राइवर कभी गाड़ी इधर कर रहा है, कभी इधर कर रहा है, कभी आगे कभी पीछे। जो गाड़ी अदालत के अंदर जाने के लिए तैयार थी या उस गाड़ी के ऊपर इतनी शेलिंग होगी कि वो गाड़ी को समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ और अंदर इमरान खान बैठे हुए हैं। इस भगदड़ का फ़ायदा उठा के या इस अफरा तफरी का फ़ायदा उठा के अगर उस गाड़ी को कोई अटैक कर देता, कोई हमला हो जाता या कोई और ब्लंडर हो जाता तो कौन जिम्मेदार था। और इस भगदड़ मचने पर फिर जब पुलिस एहलकार भागे हैं तो मैंने इसी दौरान देखा कि एक कारकुन है
उसको इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी है, मैं गलत बयानी नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो एविडेंस मौजूद है, वो गाड़ी तकरीबन रौंदते हुए वहां से चली गई, शायद वो अपनी जान बचाना चाह रहे हो, मैं उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन अफरा तफरी इस नौयत की थी कि वो तकरीबन उस नौजवान को रोंदते हुए ही निकल गई, लेकिन खुशकिस्मती से वो नौजवान बच गया, अल्लाह का शुक्र है कि उसकी जान नहीं गई। और इसी दौरान जो दूसरे ट्रैफिक वार्डन्स थे उनको लगा कि अब ये कहीं हमारी शामत ना आ जाए, तो उनमें से एक ट्रैफिक वार्डन जो था, बाकी तो भाग भूग गए, तितर बितर हो गए, उनमें से एक जो था वो भाग के हमारे साथ वाली जो मीडिया की गाड़ी थी उसमें जाके वो बैठ गए, और बहुत देर तक, और तकरीबन 4-5 घंटे तक वो फिर बैठे रहे, इसलिए कि उन्हें ये अंदेशा था या खदशा था कि अगर मैं बाहर निकला तो फिर मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। और हमने भी इसीलिए लोगों को नहीं बताया या मुनासिब समझा कि इस बारे में खामोशी रखी जाए, बारिश आदमी थे, वो भी किसी के वालिद हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हो सकते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि बस खामोशी रखी जाए, चूँकि उस नौजवान की जान बच गई है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तो अल्लाह ताला खैर फरमाए, यहाँ पे अमन होना चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन थी वहाँ पर जो हमने आज देखी। फिर इमरान खान की पेशी जैसे ही ख़त्म हुई है और इमरान खान साहब बाहर निकले हैं, हम सारे खड़े हैं कंटेनर के ऊपर, ये विजुअल्स दिखाने के लिए विक्टोरियस मोमेंट्स हैं, मुराद सईद नारे लगाते आ रहे हैं, जुल्फी बुखारी हैं, फ़ारूक हबीब हैं उनके साथ, उमर अयूब हैं, बाकी लोग हैं, बड़े नारे लग रहे हैं वहाँ पर, और नारे भी कोई ऐसे नहीं लग रहे, अल्लाह रसूल के नाम के नारे लग रहे हैं, और इमरान खान यहाँ से रवाना हो रहे हैं, बेपनाह रश है, मुबारक विक्ट्री, लोग जा रहे हैं इमरान खान को लेके अपनी प्रोटेक्शन में, इतना क्राउड था कि आप पुलिस एहलकार रोक ही नहीं सकते। मुझे उस मोमेंट की नहीं समझ आई कि जब लोग जा रहे हैं, जाते हुए उनको पत्थर मारना शुरू कर दिया पुलिस एहलकारों ने, और बे इंतहा, मतलब एकदम से आप देखेंगे इतना बड़ा आपके सामने क्राउड है और 5-6 पुलिस एहलकार पता नहीं किस बात का गुस्सा निकाल रहे और पत्थर मारना शुरू कर दिए, और जैसे ही इमरान खान की गाड़ी हाथा अदालत से निकली शैलिंग, और जैसे ही वो कंटेनर से क्रॉस की तो पत्थर, और इस दौरान हम भी DSNG पे थे, हमें भी समझ नहीं आ रही थी कि यार क्या करें, कैसे जान बचाएं, इतने मोटे मोटे पत्थर वो उठा के फेंक रहे, बेपनाह रश इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं, और फिर पथराव शुरू हो गया है, जाते जाते भी नहीं, फिर पुलिस ने फिर पथराव शुरू कर दिया, ये देखिए पुलिस पथराव कर रही गाड़ियों के ऊपर, दरवाजा खोल, दरवाजा ये देखिए पुलिस एहलकार अभी भी पथराव कर रहे हैं, ये मैदाने जंग बन गया जनाब इमरान खान के जाते जाते एक बार फिर, जवाब में कारकुन भी फेंक रहे हैं, उधर से पुलिस एहलकार भी फेंक रहे हैं, तो ये दोनों तरफ से था, ऐसा नहीं है कि कोई बेल आउट कर दिया जाए कि जनाब पुलिस एहलकार तो बड़े शरीफ थे, उन्होंने उनके हाथ में तो खाली रबड़ स्टिक थी और वो शील्ड थी और उन्होंने कुछ नहीं किया, वो प्रॉपर इतने मोटे मोटे पत्थर उठा के फेंक के मार रहे थे, हमारी गाड़ियों के आगे गुजर रहे थे, और फिर हम जैसे वहाँ से बच बचा के निकले हैं, आपको बता नहीं सकते कि किस किस्म की अजियतनाक सिचुएशन थी वहाँ पर, और कारकुनों ने जैसे फेस किया, और फिर इमरान खान साहब वहाँ से रवाना हो गए। इस दौरान अदालत में एक नया वो सिलसिला शुरू हो गया कि इमरान खान ने हाज़िरी नहीं लगाई और बिना हाज़िरी के चले गए, हालांकि हाज़िरी लग गई थी, खैर वो अदालत ने वारंट उनके मंसूख कर दिए और इमरान खान लाहौर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान कुछ इत्तलात आई कि उन्हें मोटरवे के ऊपर क्रैकडाउन किया जा सकता है, इमरान खान चक्री इंटरचेंज पर पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने थोड़ा बहुत आराम किया और उसके बाद वो वापस रवाना हो गए, और जब आप ये मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो हो सकता है वो आपसे खिताब भी कर चुके हों, क्योंकि इतला है कि उन्होंने 10:30 बजे खिताब करना था, मैं ये व्लॉग इतने ही बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो एन इन्हीं लम्हात में वो आपसे खिताब भी करने वाले होंगे। तो ये सारी सिचुएशन रही। इस सारे मामले में जो सबसे अफसोसनाक पहलू, जो सबसे अफसोसनाक पहलू वो आज के ज़मान पाक के ग्रैंड ऑपरेशन के हवाले से है, मतलब इमरान खान के होते हुए हिम्मत नहीं थी और वो बाहर निकले और आपने ये सारा कुछ कर दिखाया, और जिस बेदर्दी से किया, मतलब जिस तरह से आपने वहाँ के लोगों को मारा पीटा, मुलाजमों को मारा पीटा, और एक अजीब किस्म की खौफ हरास और जैसी फिज़ा आपने बनाई है, ये किसके मुफाद में है, किसके हक में है,
तो मेरा चीफ जस्टिस साहब से भी मैं ये मौदबाना एक रिक्वेस्ट समझ लें या एक क्या बंदा कहे कि सर आपको तो नज़र आ रही हैं ये सारी चीज़ें होती हुई, आप तो कम से कम नोटिस तो ले सकते हैं इस बारे में, इतनी भी क्या खामोशी, इतना भी क्या चुप रहना कि मुल्क के इमेज का बेड़ा गर्क हो जाए। आप इस मुल्क के बड़े हैं, कम से कम आप नोटिस लेके इस बारे में कोई ऑर्डर पास करें। हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं उनको वो मान ही नहीं रहे, आप ही कोई हुक्म दें शायद आपके ऑर्डर को वो माने। और अगर आप बड़े हैं इस मुल्क के, आप समझते हैं कि आपके इंटरवेन करने से कोई मामला सॉर्ट आउट हो सकता है, तो आपको करना चाहिए। कब तक ये पेशियां, ये सारे मुकदमात भुगतते भुगतते अब सेंचुरी के करीब होने वाले हैं। अब 94 मुकदमा तो इमरान खान के ऊपर हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो अपनी ट्वीट में बता रहे थे कि आई एम श्योर कि मैं इस पेशी के बाद जब जाऊँगा तो 3-4 और मुकदमात हो जाएंगे, मैं अपनी मुकदमात की सेंचुरी मुकम्मल कर लूँगा। और ये पाइपलाइन में होंगे। अभी इमरान खान को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करके उनकी पार्टी को बैन करना आगे पीछे ये मसाइल का हल नहीं है। अभी भी लगे होंगे इंसदाद दहशतगर्दी 780A के तहत कोई मुकदमा दर्ज हो रहे होंगे, स्क्रिप्ट लिखा जा रहा होगा, पेट्रोल बम बरामद हो गया, असला बरामद हो गया, वो एनर्जी ड्रिंक्स को आप पेट्रोल बम कह रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ। तो अल्लाह माफ़ करे, ये स्क्रिप्ट जो है ना, ये जो भी लिख रहा है बहुत ख़तरनाक लिख रहा है और इसका नुकसान पाकिस्तान को है। होश के नाखून लें और थोड़ी सी सेंस लेके आगे चले, थोड़ी हिकमत के साथ आगे चले तो मामला का कोई ना कोई हल निकल सकता है। लेकिन अगर इसी तरह चलना है तो फंसे रहेंगे आप और इमरान खान आपके काबू नहीं आने लगा। एनीवेज आज तक के लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। सबसे पहले जमान पार्क की बात करें, वहाँ पर इमरान खान के निकलते ही बहुत तगड़ा ऑपरेशन किया गया, उनके घर की छानबीन की गई, गेट तोड़ दिया गया। भाई वो क्रेन दिखा रहे थे कि क्रेन से उनके घर को तोड़ दिया गया, मतलब गेट को तोड़ दिया गया और अंदर घुसे और टेढ़ी बेढ़ी कागज़ वागज़ पड़े हुए थे ज़मीन पर, तो बहुत कुछ देखने को मिला। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने निकाल कर रखी हैं कि ये मिला, जैसे ये बता रहे थे बॉटल वाला बॉम्ब, क्या कहते हैं उसको, शीशे की बॉटल में जो बॉम्ब बना देते हैं वो, और शराब की बोतल, शराब मिली उनके घर से, ड्रग्स मिली, पता नहीं क्या क्या ऐसी ऐसी चीज़ें सुना रहे थे। मतलब ऐसा मीडिया में उड़ा हुआ है कि वो चीज़ें मिली हैं, ऐसा बताया जा रहा है। सो बहुत ही शॉकिंग सी चीज़ थी। लेकिन इमरान खान ने एक ट्वीट किया था कि यार ऐसा ऑपरेशन कौन सी उसमें कानून में लिखा हुआ है कि खाली एक अकेले घर में एक बीवी है उनकी, बुशर बीवी, वो अकेली थी घर में इमरान खान के जाने के बाद, तो उस वक्त ये ऑपरेशन किया गया और सब कुछ रिस्क पर डाला गया। ये ऑपरेशन क्यों किया गया, किस उसमें लिखा है किताब में कानून की क्या ऐसा कर सकते हो, तो ये एक इमरान खान ने सवाल भी उठाया था कुछ ट्वीट कर, जो कि बहुत गलत हुआ। मतलब ये गलत तो है यार, आपके किसी कोई घर से छोड़ कर जा रहा है, उसका ताले वाले तोड़ कर तुम घर में घुस जाओगे, कुछ भी करोगे, कुछ भी उठाओगे, कुछ भी इल्ज़ाम लगाओगे, या फिर कुछ भी रख कर कह दो कि ये इसके घर से मिला हुआ है, तो ऐसे नहीं चलता है। बाकी उनकी पेशी की बात करें तो बहुत अमेजिंग क्राउड था, बहुत कुछ हुआ वहाँ पर, बच्चों को पकड़ा गया एंड उसके बावजूद भी पब्लिक साथ दे रही थी, लेकिन विक्ट्री मूवमेंट आया उनके जो पेशी के बाद, कुछ मुकदमों पर उनको रिहाई दे दी गई है और 30 तारीख तक शायद अगली जो सुनवाई वो 30 तक होगी। केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, सेंचुरी तो होगी उनकी, लेकिन हाँ पब्लिक का साथ नहीं छूट रहा है और बाद में जो पब्लिक खड़े होकर विक्ट्री विक्ट्री साइन कर रही है वो हुआ। और जो सारा कुछ हुआ है ये जो हमने देखा है बहुत ही शॉकिंग और अफसोस वाला भी था इसके अंदर। इमरान खान गए, रिस्क पर गए, हाज़िरी देकर वो आए वापस, ठीक है, और उसके दौरान जो हुआ वहाँ पर पब्लिक को उकसाया गया कि पब्लिक कुछ हुड़दंग करे, कुछ ऐसा करे कि अफरा तफरी हो और उसमें मौका मिले किसी को कुछ और करने का, लेकिन हाँ वैसा नहीं हुआ, बहुत बड़ी बात है। वो वापस जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए अपने घर पर। चलिए फ़िलहाल एंड करते हैं इस वीडियो को। तो ये सूरत हाल था जो ठीक ठाक निपट गया, मतलब बहुत बड़ा हंगामा नहीं हुआ। सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लो। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।